तो हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। रेडमी नोट 5 प्रो के लिए यार 12.5 के ऊपर जो स्टेबल रोम का जो काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे वो अपडेट आ चुका है। ये रोम आपको एंड्रॉयड 11 के ऊपर बेस्ड मिल जाती। इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कोड नेम वगैरह दिखा लेता हूँ। यहाँ पर सेटिंग पर अपन जाएंगे, आपको मैं दिखा लेता हूँ। यहाँ पर कोई बीटा अपडेट नहीं, ग्लोबल स्टेबल रोम है, तो आप यहां पर जाके देख सकते हो MIUI ग्लोबल 12.5.5 स्टेबल रोम है। इसमें आपको OTA का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। कुछ भी अपडेट आएगा तो यहां से आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर मैं आपको इसके वॉच न्यू वगैरह में दिखाऊं तो इसमें फ़िलहाल इन्होंने लॉक कर रखा है क्योंकि नेट की कनेक्टिविटी नहीं है। उसके बाद में भी ये नहीं दिखे क्योंकि जो भी अपडेट आता है ये लॉक कर देते हैं, जो भी चेंज लोगो वगैरह होता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉइड 11 का आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है। सिक्योरिटी पेज आपको देख सकते हो लेटेस्ट मिल जाता है, हालांकि 2 मंथ पुराना या 1 मंथ पुराना आप इसको कह सकते हो। नीचे आपको सेटिस्फेक्शन भी इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊँ इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके कंट्रोल सेंटर की, तो आप इसमें कंट्रोल सेंटर देख सकते हो जो पूरा नया लेटेस्ट 12.5 के ऊपर जो स्टेबल रोम में आता है वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप देख सकते हो कस्टमाइज वगैरह भी इसमें कर सकते हो, और यहाँ पे आपको डार्क मोड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप डार्क मोड इनेबल कर सकते हो। अगर वॉलपेपर भी आपको डार्क मोड चाहिए उसका, आप सेटिंग अंदर ऑप्शन में जाके वहाँ से इसका शेड्यूल सेट कर सकते हो। तो आइकन पैक्स इसमें आप देख सकते हो, आपको इसमें ग्लोबल आइकन पैक्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इसमें थोड़ा चेंज किया गया स्टेबल रोम है इसलिए। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ इसका पावर मेन्यू वगैरह आपको किस तरीके इसमें देखने को मिलता है। जैसे आप पावर मेन्यू पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जो स्टेबल रोम में देखने को मिलता है वही इसमें आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में वॉल्यूम बार वगैरह ये आपको इसमें लेटेस्ट देखने को मिल जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखा लेता हूँ। जो आप देख सकते हो इसमें आपको ये स्टेबल वाला है एकदम 12.5 के ऊपर जो बेस्ड है वही आपको इसमें देखने को मिल जाता है क्योंकि स्टेबल रोम में अलग तरीके से आते हैं, आपको पता ही है। उसके बाद में आपको इसे सेटिंग वगैरह में ले जाकर दिखा लेता हूँ कि इसमें आपको किस तरह का आपको मिल जाता है। और इसके कैमरे की भी बात करूँगा क्योंकि कल मैंने इससे फोटो वगैरह भी लिए है, कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। तो आप यहाँ पे सेटिंग वगैरह में जाओगे तो आप यहाँ पे भी इसमें देख सकते हो, यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे स्लिप रेट जो आपको इसमें यहाँ पे आपको नियर तक का भी इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छी रोम है, कल यूज़ भी किया था। बैटरी बैकअप भी आपको इसमें नॉर्मल यूजेज में आपको चल जाएगा 1 से 1.5 दिन आराम से, काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है। क्लॉक फॉर्मेट भी आपको दिख जाता है इसमें, आपको देख सकते हो फोकस मोड मिल जाता है। थोड़ी यही बात है कि जो भी स्टेबल रोम आता है थोड़े उसमें फीचर्स आपको कम दिए जाते हैं, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से भी आप डार्क मोड इनेबल कर सकते हो, और वापस आपको लाइट मोड इनेबल करना तो इस पर ऊपर आप क्लिक करोगे यहाँ से आपका लाइट मोड वापस इनेबल हो जाएगा। नीचे आपको रीडिंग मोड मिल जाता है, एंटी फेकर मोड मिल जाएगा, कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो भी आपको स्टैंडर्ड रखना है, और यहाँ से आप कस्टमाइज वगैरह ये भी आप इसमें कर सकते हो। नीचे आपको फॉन्ट स्टाइल टेक्स्ट साइज वगैरह सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाती है। नीचे आपको जाओगे कंट्रोल सेंटर स्टेटस बार का भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप शो स्पीड कनेक्शन कर सकते हो इनेबल, यहाँ पे आप बैटरी इंडिकेटर आपको परसेंटेज यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह सब कुछ आपके हिसाब से यहाँ से कर सकते हो। इसमें आपको ये भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है कस्टमाइज करने का क्योंकि पिछली बार इन्होंने ग्राफिक्स का ऑप्शन हटा दिया था। यहाँ पे आप कंट्रोल सेंटर नोटिफिकेशन में जाओगे तो आप देख सकते हो लॉक स्क्रीन फ्लोटिंग विंडो आपको यहाँ पे मिल जाता है, और आपको नोटिफिकेशन शेड का ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल जाता है जो आपको अगर MIUI का चाहिए या एंड्रॉइड का चाहिए यहाँ से आप इसको चेंज वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आप ऊपर 3 डॉट देखने को मिल जाता है जो आपको इसको चेंज वगैरह करने में ये काम में आ जाता है जो भी आप इसमें करना चाहते हो, ये आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और आप यहाँ से देख सकते हो कंट्रोल सेंटर का UI भी चेंज कर सकते हो, आपको ओल्ड चाहिए या नया वाला चाहिए जो भी आपको चाहिए ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। नीचे आपको स्मार्ट होम की भी मिल जाती है, और यहाँ पे आपको स्टेटस बार का मिल जाता है वापस, और आइटम शो लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग ये भी आपको मिल जाता है जो आपको इसको इनेबल करोगे तब ये कंट्रोल सेंटर के साथ ये वर्क करने लग जाएगा। तो इसमें आपको नोटिफिकेशन शेड में आपको और नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में ये आपको इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। नीचे आप जाओगे आपको होम स्क्रीन देखने को मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम लॉन्चर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है आपको यहाँ पे, और आपको यहाँ पे ऐप ड्रॉअर भी देखने को मिल जाता है जो आप बच्चा है क्लासिक या ऐप ड्रॉअर आप कोई सा भी इसमें यूज वगैरह कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो आप इजीली से यहाँ से यूज कर सकते हो। नीचे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, और नीचे आप स्क्रॉल वगैरह ये देख सकते हो, आपको बहुत सारे इसमें फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। मैं क्या ऐप ड्रॉअर यूज़ करता हूँ कि ऐप ड्रॉअर आप ही आपको स्वाइप अप करने में इसमें काफ़ी आसानी वगैरह रहती है, तो मतलब अच्छा इसमें फीचर्स आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको नेविगेशन भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको बटन दिखाऊँ बटन किस तरह के देखने को मिल जाता है तो आप देख सकते हो बटन आपको इसमें लेटेस्ट जो MIUI 12 में चल रहा है वही इसमें आपको देखने को मिल जाता है। जो चाइनीज रोम में आते हैं बटन दूसरी तरह से आपको देखने को मिलता है, आपको पता ही है किस तरह से देखने को मिलते हैं। और नीचे आप जाओगे तो आपको गैसेस इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको किस तरह से इसमें गैसेस का यूज़ करना है वो तो आप सबको पता है, बहुत स्मार्ट हो आप, आता ही है गैसेस का यूज़ करना। यहाँ से आप आइकन पैक्स को छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है ग्लोबल आइकन मेशन, दे तो रखा है लेकिन चेंज है जो एनिमेशन है वो उससे वर्टिकल हॉरिजेंटल रिसेंट मेन्यू आपको इसमें यह भी देखने को मिल जाता है जो आप यहाँ पर देख सकते हो।
वर्टिकल करोगे तो आपका रिसेंट मेन्यू जितने भी आप ओपन करोगे इस तरीके दिखेंगे, और हॉरिजेंटल करोगे तो आपको इस तरह के देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो तो मेमोरी शो स्टेटस का भी मिल जाता है, ब्लर ऐप का ऑप्शन मिल जाता है, सजेशन का आपको शो सजेशन का मिल जाता है। और यहाँ आपको आपको मैं एक ऑप्शन दिखाना भूल गया, यहाँ पे आपको सेटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप वापस जाएंगे होम स्क्रीन वगैरह में तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको सिस्टम में, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिलहाल लॉक कर रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप नीचे जाओगे, वॉलपेपर आपको दिखा लेता हूँ, वॉलपेपर कौन कौन से इसमें मिल जाते हैं। जैसे आप एग्री पे करोगे, यहाँ पे जाओगे प्रोफाइल पे और वॉलपेपर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो फ्री इंस्टॉल वॉलपेपर जो MIUI 12.5 या 12.6 के अंदर जो भी मिलते हैं वो आपको सारे वॉलपेपर इसमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में फॉन्ट स्टाइल, रिंगटोन, आइकन पैक्स वगैरह ये भी मिल, ये आपको इसमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप फॉन्ट सेटिंग वगैरह, रिंगटोन, थीम वगैरह आपको दिखा लेता हूँ, इसमें कितनी आपको फ्री इंस्टॉल थीम देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो थीम मिलती है आपको, क्लासिक और लिमिटलेस, जो 12.6 के अंदर मिलती है वो इसमें इसे रिमूव कर दी गई है। तो इस तरह का आपको थीम ऐप्स में ये सिस्टम मिल जाता है वॉलपेपर वगैरह में। तो थीम ऐप्स का मैंने आपको दिखाई दिया, और आपको नीचे ले जाऊँगा यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट, आपको स्क्रीन लॉक भी मिल जाता है, इमरजेंसी SOS मिल जाता है, यहाँ पे प्राइवेसी मिल जाता है, लॉक स्क्रीन, सेकंड स्पेस, ये सब कुछ आप यहाँ से पासवर्ड की सेटिंग में आकर यहाँ से आप इसको मैनेज वगैरह कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है ये, और यहाँ पे आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे लोकेशन वगैरह, स्पेशल मैनेजर, अदर परमिशन, हाई रिस्क परमिशन, ये आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में आपको दिखाऊँ बैटरी, तो बैटरी में आप जाओगे तो आप देख सकते हो बैटरी सेवर मिल जाता है, अल्ट्रा बैटरी सेवर का ऑप्शन मिल जाता है। और जैसे ही आप बैटरी पे स्वाइप अप करोगे, बैटरी टेम्परेचर, टू डे बैटरी टाइम वगैरह, बैटरी शेड्यूल वगैरह, और आप यहाँ पे बैटरी सेवर वगैरह सब कुछ मैनेज कर सकते हो। यहाँ से आप इशू वगैरह हो तो फिक्स भी कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ से आपकी बैटरी का बैकअप और थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें आपको सिस्टम में फीचर्स मिल जाते हैं। नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह, सिस्टम लॉन्चर वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बैटरी में आपको देख सकते हो पुरानी UI ही मिलता है, जो नई आ रहा है वो अभी तक स्टेबल में इन्होंने दिया नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐप्स का सेटिंग मिल जाता है, जो आप मैनेज ऐप्स, ठीक है, होम स्क्रीन पे आप मैनेज ऐप्स को शॉर्ट करके बना रहे हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ से सिस्टम ऐप्स को भी आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि सिस्टम ऐप्स बाकी इंस्टॉल अनइंस्टॉल नहीं होता, लेकिन इसमें ऑप्शन दे रखा है सिस्टम में जो भी ऐप्स वगैरह है जो आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर डबल ऐप्स बना सकते हो, परमिशन और ऐप लॉक भी आप यहाँ से लगा सकते हो। उसके बाद में आपको नीचे एडिशनल सेटिंग मिल जाती है, तो आप देख सकते हो लैंग्वेज, रीजन, शॉर्टकट बटन मिल जाता है, क्विक बॉल वगैरह का, आपको LED, वन हैंड मोड, मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर भी इन्होंने दिया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, इसमें आपको 3 स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हो फिंगर से, ये भी आपको इसमें ऑप्शन दे रखा है, जो मैं बताना भूल गया था, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो इरेज मोड भी आपको इसमें मिल जाता है, फुल स्क्रीन और फैक्ट्री रिसेट, साउंड, ये आपको सब कुछ एडिशनल सेटिंग के अंदर ये फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे डिजिटल वेडमिन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो आप यहाँ पे शो डाटा पे करोगे, कितने टाइम आपने कौन सा डाटा यूज किया, डिवाइस को कितनी बार लॉक किया, कितनी नोटिफिकेशन आई है, सब कुछ आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको फोकस मोड, बेड मोड, ये सब कुछ आपको मिल जाता है, और आप यहाँ से मैनेज नोटिफिकेशन वगैरह भी इसमें कर सकते हो। काफ़ी स्टेबल रोम है, काफ़ी अच्छी रोम है। और स्पेशल फीचर्स में जाओगे तो गेम टर्बो मोड, वीडियो टूल बॉक्स, फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, लाइट मोड, मतलब इसमें काफ़ी कम फीचर्स आपको मिल जाते हैं स्पेशल फीचर्स में, क्योंकि यूरोम में जो है बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मी अकाउंट का ऑप्शन, लॉगिन कर सकते हो, गूगल अकाउंट वगैरह ये आप कर सकते हो। और भी इसमें बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे आप जाओगे, इसमें ऐप ड्रॉअर दिखा लेता हूँ पहले मैं आपको। तो यहाँ पे आप ऐप ड्रॉअर आप देख सकते हो कि स्टेबल रोम में आपको किस तरह से ऐप ड्रॉअर देखने को मिलता है, तो इसी तरह का आपको इसमें ऐप ड्रॉअर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो नोट्स वगैरह, यहाँ पे आप भी न्यूज़ वगैरह कुछ भी आती है Xiaomi की, तो यार आप यहाँ से इसमें कर सकते हो। और यहाँ से आप देख सकते हो पॉपुलर वीडियो, स्टॉक मार्केट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, कुछ भी आप PNR वगैरह करते हो तो ये आपको यहाँ पे मिल जाए। मतलब गैलरी के बारे में बताऊँ तो गैलरी में बक्स है, रोम काफ़ी अच्छी है, लेकिन बक्स होने की वजह से यार रोम की मतलब पूरी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है यार। काफ़ी स्टेबल रोम है, बक्स है, फिर रोम का यूज़ करने का मतलब ही क्या। जैसे मैं गैलरी को ओपन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। इसको मैंने फोर्स स्टॉप भी किया था, सब कुछ किया था, उसके बाद में भी कुछ नहीं हो रहा। आप देखो एक बार आपके सामने क्लियर कैच भी कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं गैलरी ओपन करने जा रहा हूँ, गैलरी ओपन नहीं हो रही है। और कैमरे को ओपन करता हूँ तो कैमरा यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको दिखा लेता हूँ मैं वापस, कैमरा एक बार ओपन करता हूँ मैं, तो आप देख सकते हो कैमरा मैंने ओपन किया, कैमरा ओपन हो चुका है। आपको इसमें नॉर्मल AI मोड मिलता है, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो बक्स है, क्योंकि कैमरे में बक्स है, वही गैलरी के अंदर बक्स है। जैसे फोटो क्लिक कर रहा हूँ, फोटो क्लिक हो रही है, ठीक है, आप देख सकते हो फोटो क्लिक हो रही है लेकिन ओपन नहीं हो रही, यही बक्स है यार। इस तरह के यार अच्छी रोम बनाते हैं, इतना परफॉर्मेंस देते हैं रोम में, लेकिन इस तरह के बक्स दे देते हैं, तो फिर मतलब रोम यूज़ करने का मतलब ही क्या यार। तो ये आपको फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद लगते हो या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के आपको यहाँ पर वीडियो मिलते रहते हैं। और आपने अभी तक मुझे फेसबुक,
इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आपके कुछ भी कमेंट वगैरह हो, क्वेश्चन आंसर वहाँ पे पूछ सकते हो, तो जरूर फॉलो करिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।